अरे यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी चलता है कॉलेज। इनके चाचा मामा का है क्या? हम लोगों को यूनिटी बना के रहना पड़ेगा, तभी कॉलेज का सिस्टम चेंज हो पाएगा। भाई मेरी बात को समझो तुम लोग, हमारे कॉलेज में इस साल पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन में खड़े हों, जीतें और पूरे कॉलेज का रंग रूप बदल दें। बस अब इसमें हमें तुम्हारी सपोर्ट चाहिए होगी। हम दोनों तो आपके साथ हैं भाई। सिर्फ तुम दोनों नहीं, अपनी अपनी क्लास के सारे बच्चों को समझाओ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत है, हमारे कॉलेज के फ्यूचर का सवाल है, समझो भाई। संजय मिश्रा कौन है तुम में से? हम हैं संजय मिश्रा। बताइए भैया जी क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बहुत नाम सुना था तुम्हारा तो सोचा आके मिल ही लूँ। सुना है कॉलेज में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो? सोचा तो है भैया, बचपन से हमें इलेक्शन लड़ने का काफ़ी शौक था और हमारे इस कॉलेज को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत भी है, तो इसलिए हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला ले ही लिया। ये तो तूने बहुत ही बढ़िया करा, लेकिन तुझे तो पता ही है कॉलेज में इलेक्शंस पहली बार होने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो तुझ में ऐसा क्या खास है कि तुझे ये मौका दिया जाए? सब लोगों को साथ में कैसे लेके चला जाता है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है और हमारे खून में लोगों की भलाई करने का जज्बा है। यहाँ का एक एक स्टूडेंट क्या चाहता है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं इनकी आवाज़ बनूंगा और इनके हक के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर जान है। वाह यार, तू तो अभी से नेता की तरह बात कर रहा है, लेकिन एक बात बता, तू तो सेकंड ईयर में है ना, तो अभी से इतने आगे की कहाँ सोच रहा है? अगले साल लड़ लियो, आखिरी बार थोड़ी ना हो रहे इलेक्शन, इस साल हम फाइनल ईयर वालों के लिए छोड़ दे। देखो भैया, फाइनल ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मन बना लिया है और संजय मिश्रा नाम है हमारा, हम स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा जी, मतलब कुछ भी हो जाए तुम अपने फैसले से नहीं हटोगे? देखो भैया, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम इनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये हुई ना बात, ऐसे ही तो लीडर की जरूरत थी हमें। लेकिन लीडर साहब, अपने कॉलेज के बाहर दो सेकंड ईयर के लड़के आपस में लड़ रहे हैं, वो भी इलेक्शंस की बात पर, उन्हें चलकर समझाइए, आपका प्रचार भी हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो भैया, चलिए अभी चलते हैं। आइए चलो। अब आप खुद ही देखिए भैया जी, आजकल के यूथ की यही प्रॉब्लम है, कभी स्कूल में लड़ेंगे कभी कॉलेज में लड़ेंगे। कॉलेज को लड़ने की जगह बताइए, ये तो पढ़ने की जगह है, इसीलिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब बताइए कहाँ पे हो रही लड़ाई, बताइए, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ हो रही लड़ाई? भैया जी हमें मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहा हूँ ये भी तुझे मैं ही बताऊँ। लेकिन भैया जी हमारी गलती क्या है? गलती तेरी ये है कि तूने इलेक्शन में खड़े होने का सोचा, अगर तेरे जैसे कबूतर इलेक्शन में खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे फिर? लेकिन भैया जी इलेक्शन लड़ना तो हमारा हक है ना, आप हमारा हक नहीं छीन सकते। बेटा हम कुछ भी छीन सकते हैं, इसे जब तक मारो जब तक इसका इलेक्शन का भूत ना उतर जाए। भैया जी बात तो सुनिए, लड़ेंगे ना भैया जी, बात बात तो सुनिए। ये सब क्या हो रहा है इधर? क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने? तुम अपने आप को समझते क्या हो? उस बिचारे को तुम सब लोग अकेले मिलके पीट रहे हो। ये कॉलेज है, कोई अड्डा नहीं है। अरे तू गलत समझ रही है भाई, हम मार थोड़ी ना रहे हैं इसको, ये तो हमारा दोस्त है, भाई जैसा है बिल्कुल। वो इसके ना दिक्कत है एक्चुअली, कई बार इसे गैस बन जाती है और वो दिमाग में चढ़ जाती है, बस वही पास करवा रहे थे, तुम इसी से पूछ लो। बता बता अपनी दीदी को। बेटा अभी तक तो लात घूंसे लग रहे थे, गोलियां चल सकती हैं। बता बता। हाँ दीदी मैं एकदम ठीक हूँ, और हम तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा भैया मेरे को ना थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। निकल। नमस्ते। कीर्ति यहाँ क्या कर रही है? चलो मुझे लेट हो रहा है। शांति मुझे ना बस दो मिनट दे, मैं भी आई। अगर आज के बाद कॉलेज में ऐसी हरकत करते हुए दिख गए ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, याद रखना इस बात को। ये लड़की कौन है भाई? आज से पहले तो इसको कभी नहीं देखा कॉलेज में। अरे भाई इतना बड़ा कॉलेज है, हम कहाँ सारी लड़कियों को जानते हैं। भाई ये नजरअंदाज होने वाली लड़कियों में से तो नहीं है। पॉइंट, शायद से न्यू एडमिशन है। आजा पता लगाते हैं। यहाँ भी नहीं है, अब क्या हर क्लास में ऐसी घुस घुस के चेक करते रहेंगे हम? अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई एकदम। भाई तेरे पास आज कई दिन है, अगर आज नहीं ढूंढ पाया ना तो उसे भूल जा, क्योंकि कल से तो एक महीने की छुट्टियां हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन। अगर तूने आज शाम तक मेरे को उसकी खबर नहीं दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कॉलेज में अब की बार इलेक्शन लड़ लूँ।
ये भी इलेक्शन लड़ रहा है? सर हर किसी को इलेक्शन लड़ना है। ये आजकल के बालक इलेक्शंस को तो हलवा समझ रहे हैं। कोई भी मुंह उठा खड़ा हो जाता है, मैं बनूंगा जी मंत्री। अरे भाई जिस काम में अच्छे हो वो करो ना, इलेक्शन लड़ने के लिए हम रहे? हम क्या यहाँ मटर छीलने के लिए आते हैं? ये जितने भी कबूतर उड़ रहे हैं ना कॉलेज में, इन सबका एक बार रिमांड करवा दे बढ़िया तरह, तभी इनकी अकल ठिकाने लगेगी। और अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताइए, ठीक है? भाई आप इन सब चीजों की टेंशन मत लो, ये सारे काम तो मैं करवा दूंगा। आप एक मेरा छोटा सा काम करवा दो ना भाभी से कह के। तुझे उससे क्या काम आ गया भाई? अरे भाभी की वो सहेली नहीं है एक सुंदर सी, क्या नाम है उसका? शांति। शांति नहीं, शांति। हाँ, वही शांति। उससे मेरी सेटिंग करवा दो ना। सेटिंग ऐसे थोड़ी होती है भाई, उसके सामने थोड़ा टशन वशन दिखा, पैसा खर्च कर तभी तो पटेगी। पैसा ही तो नहीं है भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है, आप कहो तो मोटा जुआ खेल जाऊं, क्या पता पैसा ही पैसा हो जाए। ऐसे काम क्यों करने, इससे अच्छा तो तू ट्रेडिंग कर बिनोमो ऐप पे। भाई बिनोमो ऐप का नाम तो सुना है पर ये एग्जैक्टली है क्या? ये एक ट्रेडिंग ऐप है, यहाँ पैसे अर्न कर और अपने एक्स्ट्रा खर्चे निकाल। इनके प्राइस टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ सिंपल टास्क कर और इजिली ट्रेडिंग करना सीख ले। और यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी है, जब चाहे अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है, अटकेंगे नहीं। एक बार आप ही दिखा दो ना कैसे ट्रेड करते हो आप। ये देख ऐसे ट्रेड करते हैं, ये दिख रहा है ग्राफ ऊपर जाते हुए, और ऊपर जा बेटा। यस, ये रहा प्रॉफिट, और ये ले मैसेज भी आ गया प्रॉफिट विड्रॉ करने का। कुछ कुछ तो समझ आया मुझे। हाँ बाकी तू यूज करके सीख जाएगा, अभी तू ज्वाइन करेगा तो तेरे को वेलकम बोनस और अनलिमिटेड डेमो अकाउंट जैसे काफी कुछ मिलेगा। और जब तू मेरे जैसे वीआईपी क्लाइंट बन जाएगा तब तो पर्सनल मैनेजर और कॉम्प्लीमेंट्री बोनसेस भी। अब समझा, नई गाड़ी, डेली पार्टी, इन सब का पैसा कहाँ आ रहा है? मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से करियो मेरा प्रोमो कोड यूज करके। अब तू बस ट्रेडिंग स्टार्ट कर, जितना पैसा जीतेगा वो सीधा तेरे अकाउंट में आएगा, कोई कमीशन कोई फी नहीं देनी। आज अपना पहला ट्रेड करके आपको शाम को रिपोर्ट करता हूँ कि क्या रहा। चल तो फिर कल मिलते हैं कॉलेज में। हेलो ब्रदर। कितने बढ़िया बढ़िया सपने सोच रहा था मैं, तेरी शक्ल देख के मूड ही खराब हो गया। और ये रात को चश्मा कौन लगाता है भाई? वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया या आंखों का ऑपरेशन करवा के आया है? ओहो, ये मैंने अभी तक लगाया हुआ है क्या? सुबह से निकला हुआ था तेरी बंदी का पता लगाने के लिए, तब धूप थी, उसे ढूंढते ढूंढते कब दिन से रात हो गई पता ही नहीं चला। फिर मिल गया पता? तुझे पता नहीं है क्या, तेरा भाई जो ठान ले वो करके ही रहता है। उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली निकाल के लाया हूँ, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, कहाँ जाती है, कुछ भी पूछ ले। क्या बात कर रहा है भाई, चल तो फिर चल उसके घर चल रहे हैं। ओ भाई ओ, अभी बज रहे हैं रात के एक, और उसका पीजी खुला रहता है सिर्फ 10 बजे तक। इस टाइम जाएंगे ना तो डंडे पड़ेंगे। चल तो ठीक है, फिर कल सुबह उठते ही चलेंगे, टाइम से उठ जियो, कहीं 9-10 बजे तक पढ़ा रहे। ठीक है अभी जाके सो जा, गुड नाइट, आज रात को तो मस्त सपने आएंगे। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, किसी के लिए इतना कुछ करो और वो दारू तक के लिए नहीं पूछता है। मैं तो यहीं सो जाता हूँ, गुड नाइट भगवान। तेरे को पता है वो जो चाटे वाली बात फैली थी ना, वो मैंने ही फैलाई थी। अच्छा एक बात बता, कैब तू बुक करिए कि मैं बुक करूँ? तू ही कर ले। मैं कर लेती हूँ। हो गई, 5 मिनट में आ रहा है। ऐसी क्या बातें चल रही हैं इनकी जो इतने दांत फाड़े जा रही हैं? अरे भाई तू वो सब छोड़, तू जाके उससे बात करना, बस उसे घूरे जा रहा है साइको की तरह। नहीं भाई मेरे को डर लग रहा है यार, अगर उसने बात नहीं करी तो बेइज्जती हो जाएगी, कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, तू उनका सीनियर है और किसी जूनियर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सीनियर से बात ना कर सके। और अगर बात ना भी करी तो कह देंगे ड्रामा स्कूल वाले थे, प्रैंक कर रहे थे। मस्त प्लान है, पर पहले तू बात करियो। बात तो तुझे ही करनी पड़ेगी, चल जल्दी निकल लेंगे वो। हाय, यहाँ कैसे, तू यहाँ रहती है क्या? पहचाना नहीं? अच्छा हाँ, तुम वही ना जो उस दिन कॉलेज के बाहर मिले थे और उस लड़के को पीट रहे थे? अरे पीट थोड़ी ना रहे थे, वो तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे थोड़ा सा। हाँ हाँ वही मतलब। तू यहाँ रहती है? हाँ हम दोनों यहीं रहते हैं पीजी में, साथ में। एक साथ? जी हाँ एक साथ, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना इसलिए। और तुम? हैं तो हम दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स ही, पर हम पीजी में नहीं रहते, फ्लैट में रहते हैं। फर्स्ट ईयर में रहते थे पीजी में, पर यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता ना, इसलिए हमने फ्लैट ले लिया। और कुक भी रखा हुआ है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। हाँ हम लोग यहाँ पे खाने आ सकते हैं क्या? लो नेकी और पूछ पूछ, कभी भी आ सकते हो। वेज या नॉन वेज? वेज।
हम भी वेज ही खाते हैं और हम यहाँ पास वाली मार्केट में तो आते ही रहते हैं। ये पास वाली मार्केट, यहाँ पे तो हम डेली जाते हैं और पता है वहाँ पे बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं, हम दोनों चार चार प्लेट एक साथ खा जाते हैं। तो कल से गोलगप्पे हमारी तरफ से। सही है? सही नहीं तो बहुत सही है, महीने के 1500 रुपए बचेंगे। अच्छा हम दोनों चलते हैं, हमें ना मार्केट जाना है, कुछ फोटो कॉपी करवाने। बाय। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं हम लोग चले जाएंगे, मैं तुमसे मिलती हूँ ना बाद में। ओके बाय। भाई यार मेरी वो शर्ट नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, तूने पहनी थी क्या? कौन से वो व्हाइट वाली कह रहा है क्या? हाँ 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 कहाँ है? अरे वो तो धुलने के लिए डाली हुई है ना, कुछ और पहन ले। अबे यार मेरे को तो पहननी थी आज, वो मेरी लकी शर्ट है। लकी शर्ट? ऐसा क्या करने वाला है भाई तू? यार आज एक महीने बाद कॉलेज वापस से खुल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कीर्ति को प्रपोज कर ही दूँ। वैसे तो हम दोनों को पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पर कभी इजहार नहीं करा, तो एक काम करेंगे उसे उसके घर से पिक भी कर लेंगे और ये नेक काम भी कर देंगे। क्या बात है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझमें? भाई जब वो पहली बार मिली तो उसने कैसे बात करी थी याद है ना? वो तो उसके साथ रहने के बाद पता चला कि वो कितनी स्वीट है और प्यार तो वो मुझसे करती है, वरना इतना टाइम थोड़ी ना देती। बस आज वो हाँ कर दे तो लाइफ सेट। अरे हाँ तो करेगी हमारी भाभी, आज तू प्रपोज कर फिर मैं भी अपना नंबर लगाता हूँ, फिर शांति भी सेट, दोनों भाइयों की लाइफ सेट। हाँ तो अब ज्यादा लेट मत कर, मैं बस ये कपड़े चेंज कर लेता हूँ फिर निकलते हैं। मेरी लकी शर्ट तो मिली नहीं पर कोई बात नहीं। हाँ हाँ तू चेंज कर ले। अच्छा किया जो तुम मुझे लेने आ गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर में बता दिया दैट आई लव यू। कौन है? मैं कौन हूँ? अबे तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड। है? मेरा बॉयफ्रेंड? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? मेरा बॉयफ्रेंड ये है। ये क्या बकवास कर रही है तू? तूने तो कभी बताया नहीं इसके बारे में, हम इतने टाइम से साथ घूम फिर रहे हैं। बताया नहीं मतलब? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं, और तुम इस बात पे भड़क क्यों रहे हो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देख फालतू बात मत कर, तुझे पता है मैं तुझे पसंद करता हूँ। हाँ तो पसंद तुमको मैं भी करती हूँ पर एक दोस्त की तरह, मैंने कभी तुमको कोई गलत साइन नहीं दिया है। तो फिर रोज शाम को मेरे साथ क्यों घूम फिर रही थी? इसी के साथ घूमती मेरा क्यों टाइम वेस्ट करा? मेरे तो सारे दोस्तों को लगता है तू मेरी सेटिंग है, इतनी स्वीट क्यों बन रही थी मेरे साथ? ओ भाई आराम से, क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी वो छोड़, सच तो ये है कि बंदी है मेरी जतिन शर्मा की बंदी, इसे जितनी जल्दी तू भूल जाएगा उतना तेरे लिए बढ़िया है। वैसे भी गलती तो इसी की है, इसे तेरे जैसे मुंह ना लगाने चाहिए। चल अब निकल यहाँ से, तेरा पत्ता कट। चलो बेबी। बोला था उसकी पूरी कुंडली निकाल दी, उसका पहले से बॉयफ्रेंड है वो भी हमारे ही कॉलेज का, ये तो नहीं बताया तूने? सॉरी भाई ये मेरी गलती है, मैं इसकी पूरी कुंडली नहीं निकाल पाया, सच में मुझे नहीं पता था इसका कोई बॉयफ्रेंड भी है, और ऊपर से कभी शांति ने भी नहीं बताया, मुझे तो अब ये टेंशन हो रही है कभी शांति का कोई बॉयफ्रेंड ना निकल आए। मत पड़ तू भी उसके चक्कर में, ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, हमारी लाइफ तो बढ़िया चल रही थी बिना मतलब की भसड़ हो गई,
और नहीं तो क्या, मेरे तो सारी सारी पॉकेट मनी उस शांति के गोलगप्पों के चक्कर में चली गई, मेरा तो मोटा नुकसान हो गया। ये देख मरेगी नहीं डायन। उठा ले फोन तो, इस बेचारे क्या गलती है। हाँ शांति बोल। क्या क्या क्या? ओके ओके आई विल टॉक टू यू लेटर, बताता हूँ मैं। क्या हुआ, क्या बोल रही थी? शांति ने प्रपोज कर दिया मुझे। वाह किस्मत हो तो तेरे जैसी। चल वैसे ठीक ही हुआ, टाइम रहते क्लियर हो गया सब। अब बस इलेक्शन जीत के इन दोनों लैला मजनू की ऐसी तैसी करनी है बस। और इलेक्शन तो हम जीते ही पड़े हैं, जब कोई टक्कर में खड़ा ही नहीं हुआ तो किस बात के इलेक्शन। भाई अभी कुछ टाइम पहले तक तेरे सामने कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अभी दो चार दिन पहले एक नाम सामने आया है जो तेरी टक्कर में इलेक्शन लड़ना चाहता है। मेरी टक्कर में कौन खड़ा हो सकता है? क्या नाम बताया? जतिन शर्मा। तो गाइज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसका जो सेकंड एपिसोड आने वाला वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर भर भर के कर देना ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। सेकंड एपिसोड में तुम्हें बहुत कुछ, मतलब अभी तो तुम्हें बहुत आगे और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ठीक है अपनी साइड से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और जो घंटा आ रहा है ये दबा दें ताकि जब सेकंड एपिसोड आए तो तुम्हें पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जाते जाते बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।